हे हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आप अगर है एक यूट्यूबर या फिर आप यूट्यूब में शुरुआत की है या फिर यूट्यूब में आना चाहते हैं और यहाँ पे आप अगर एक माइक ढूंढ रहे हैं और जो आपके बजट में फिट भी हो। और दोस्तों, यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा कंटेंट के साथ साथ यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है। यहाँ पे अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा बोया का BY-M1 माइक के बारे में। करेंगे यहाँ पे छोटा सा एक अनबॉक्सिंग। और दोस्तों, यहाँ पे इस प्राइस के हिसाब से यहाँ पे 2000 के अंदर ये बेस्ट माइक है। दोस्तों, ये माइक ज़्यादातर यूट्यूबर्स का पसंदीदा माइक है और यहाँ पे मेरा भी पसंद यही है। और यहाँ पे दोस्तों, आपको भी उम्मीद है कि पसंद जरूर आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे ये माइक आपके बजट पर फिट नहीं होता है तो आपको बताएंगे बेस्ट माइक आपके लिए कौन सा है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मोहंती टेक्निकल। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे फटाक से करते हैं इसको अनबॉक्स। उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पे बोया का BY-M1 माइक में आपको क्या क्या खास बात मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बॉक्स को मैं कर लिया है अनबॉक्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बोया का BY-M1 माइक यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है बोया का BY-M1 माइक। तो यहाँ पे पहले लिखा गया है ऊपर बोया और यहाँ पे माइक का पिक्चर। और दोस्तों, यहाँ पे साइड पे भी BY-M1 और यहाँ पे पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे आप ये माइक कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे लो हैंडलिंग नॉइस वगैरह ये सब कुछ लिखा गया है। वीडियो को देखते रहिए, आपको आगे बताएंगे क्या क्या यहाँ पे खास बात आपको मिलता है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स को यहाँ पे करेंगे ओपन और निकाल लेंगे माइक को। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले फटाक से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक पाउच निकल के आता है। शायद पाउच के अंदर ही सब कुछ है। और यहाँ पे एक यूजर मैनुअल, तो यहाँ पे यूजर मैनुअल का कुछ काम नहीं है, शायद हम लोग कभी नहीं पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पे और एक कुछ कार्ड है, तो यहाँ पे कार्ड में कुछ चाइनीज़ और इंग्लिश में लिखा गया है इस माइक के बारे में। तो चलिए, यहाँ पे फिलहाल इसको भी करते हैं साइड पे, क्योंकि काला अक्सर भैंस बराबर, मेरे किस काम का। और यहाँ पे इस लेदर का पाउच मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और इसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे हमारा बोया का BY-M1 माइक। और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ है पाउच के अंदर जो कि आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ है कुछ एडाप्टर और यहाँ पे फोम और यहाँ पे उसके साथ जो क्लिप आता है वो। तो दोस्तों, यहाँ पे लेदर का पाउच मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। शायद कभी मेरा कोई काम पे आएगा तो इसको भी साइड पे रख देते हैं। तो ये रहा दोस्तों बोया का BY-M1 माइक। और यहाँ पे पॉलीथीन पैकेट के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स है इसके अंदर जो लगता है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज, जो यहाँ पे बैटरी है उसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक माइक का टोपी वाला फोम और यहाँ पे एक क्लिप और उसके साथ एक एडाप्टर। तो दोस्तों, यहाँ पे ये रहा इसका फोम, तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है और यहाँ पे ये काम का है। और यहाँ पे दोस्तों, ये है एडाप्टर जो यहाँ पे शायद अभी मेरा काम पे कुछ नहीं आएंगे क्योंकि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ ये सब। और यहाँ पे इसका जो क्लिप है जो आपके कॉलर पे लगेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से सेट करना होगा इसको। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे माइक है, माइक को लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं तार को खोल लेता हूँ 1 मिनट। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला क्लिप को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेट करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरा लग गया है। उसके बाद ये रेडी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फोम वाला टोपी है ये पहना दीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से टोपी को पहना दीजिए क्योंकि ठंड का मौसम है, यहाँ पे ठंड लग सकता है, इसीलिए टोपी दिया है इसका। तो यहाँ पे पहना दीजिए। यहाँ पे दोस्तों, ये टोपी बहुत ही काम का है। यहाँ पे अगर तेज़ से हवा चल रहा है या कुछ, आपका यहाँ पे बहुत ही नॉइस को रिडक्शन करता है। और यहाँ पे इसका तार देख के आप ताज्जुब हो जाएंगे, 20 फुट का लगभग तार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इतना बड़ा वायर है। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको ये काम आएगा जरूर। यहाँ पे आप अगर मोबाइल से कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो DSLR से कैमरा से शूट करते हैं तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि कैमरा को आप दूर पे रख के यहाँ पे आप शूटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप अगर DSLR से कर रहे हैं मतलब कैमरा से, तो यहाँ पे आपको आप और यहाँ पे आप अगर स्मार्टफोन से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डाउन करना पड़ेगा, ये ओपन का बटन आपको मिलता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप इसको खोल के लगाना पड़ेगा एक छोटा सा बैटरी जो कि दोस्तों यहाँ पे पैकेट में आपको पहले दिखाया था। तो यहाँ पे इस बैटरी को हम फटाक से लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये रहा दोस्तों बोया का BY-M1 माइक का बैटरी। और ये बैटरी है दोस्तों LR44 बैटरी का टाइप है। और यहाँ पे दोस्तों, ये बैटरी आपको लगभग 1 साल के आसपास चलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे ख़त्म होने के बाद आपको ये बैटरी बाज़ार पर आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, आप इस माइक का बैटरी यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस घुमा घुमा के आप लगा दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद आपका माइक हो गया है रेडी।
और यहाँ पे दोस्तों अभी तक आपने जितना भी ऑडियो सुना इस वीडियो के अंदर, तो सभी दोस्तों यहाँ पे बोया का BY-M1 माइक से लिया गया है। आपने दोस्तों अगर मेरा पिछला कोई वीडियो देखा है तो उससे आप फर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। और यहाँ पे दोस्तों आज से पहले जितना भी मैंने वीडियो किया है वो किया है दोस्तों इस माइक से, मतलब यहाँ पे 200 के आसपास आपको एक माइक मिलता है अमेजोन के ऊपर, जिसका नाम है जेनेरिक करके कुछ नाम है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही धांसू परफॉर्मेंस करता है ये, बजट के हिसाब से दोस्तों ये 200 के आसपास लगता ही नहीं है। और यहाँ पे इतना दिन जितना भी वीडियो मैंने किया है सब इसी से किया है। मान लीजिए आपका बजट नहीं है बोया लेने के लिए, तो ये माइक दोस्तों आप देख सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये माइक ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे इस माइक को भी आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी का माइक है, मुझे तो बहुत ये मतलब क्या कहूँ फेवरेट माइक है ये मेरा। छोटा सा है लेकिन यहाँ पे मतलब उतना भी इसका वायर छोटा नहीं कि आपका यहाँ पे काम नहीं चलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका बजट है तो बोया लीजिए ज़रूर। और यहाँ पे दोस्तों आप अगर मान लीजिए शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने जो बताया 200 के अंदर वो भी बढ़िया है। और यहाँ पे दोस्तों बोया का तो है ही अच्छा, यहाँ पे जो इसका कंडेंसर आप देख रहे हो यहाँ पे इसका ही सारा कमाल है। और यहाँ पे इसका जो नॉइस रिडक्शन दोस्तों इस माइक का है क्या कहूँ कमाल का है। यहाँ पे दोस्तों बाहर का कोई आवाज़ आता भी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोस्तों ये रिडक्शन कर देता है। इसका नॉइस रिडक्शन क्वालिटी बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे दोस्तों इसका क्वालिटी दोस्तों यहाँ पे वेरी करता है, मान लीजिए आप DSLR पे लगाएंगे तो थोड़ा क्वालिटी और अच्छा मिलेगा, स्मार्टफोन पे यहाँ पे थोड़ा कम मिलता है, लैपटॉप पे लगाएंगे तो इससे थोड़ा अच्छा मिलेगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको क्वालिटी देखने को मिलता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो अंत तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।